आईएएस टॉपर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार टीना डाबी बाड़मेर कलेक्टर के तौर पर अपनी खास पहल के लिए चर्चा में है। कलेक्टर होने के बावजूद खुद सड़कों पर उतरी हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन से सीख लेकर बाड़मेर को नवो बाड़मेर बनाने में जुटी है। देखिए कैसे दुकानों के बाहर फैली गंदगी पर दुकानदारों को फटकार लगा रही है। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी नवो बाड़मेर मिशन के तहत बाड़मेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुटी। बुधवार को एक बार फिर सड़कों पर उतरी हुई नजर आई। इस बार टीना डाबी ने बाड़मेर शहर के मुख्य चौराहे अहिंसा सर्किल से राजकीय अस्पताल तक की सड़क पर नवो बाड़मेर अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया। इस चेतावनी के साथ कि दूसरी बार साफ सफाई नहीं पाई गई तो दुकानदारों पर जुर्माना और अस्थायी ठेलों को जब्त कर लेंगे। इस सफाई अभियान के दौरान टीना डाबी जब एक दुकानदार को नसीहत दे रही थी, उसके दुकान के आगे फैली गंदगी को लेकर नाराज थी। दुकानदार को दोबारा सफाई करने को कहा, लेकिन दुकानदार ने एक छोटे बच्चे को आगे कर दिया, जिसके बाद गुस्से में दुकानदार को खुद झाड़ू उठाकर सफाई करने को कहने लगी। आईएएस टीना डाबी ने बाड़मेर जिला कलेक्टर का पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद नवो बाड़मेर यानी नया बाड़मेर बनाने की पहल का आगाज कर दिया था। इसके पहले चरण में बाड़मेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के महासफाई अभियान का आगाज कर दिया था। इस अभियान के तहत आगामी 2 अक्टूबर तक शहर को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। टीना डाबी तब सुर्खियों में आई थी जब साल 2015 में उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था। दूसरी बार तब देश भर में उनकी चर्चा हुई थी जब कश्मीर के रहने वाले अतहर आमिर खान से साल 2018 में शादी रचाई थी। हालांकि 2 साल बाद 2020 में दोनों का तलाक हो गया था। साल 2022 में आईएएस टीना डाबी ने आईएएस प्रदीप गवांडे से दूसरी शादी की है।